नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम यूज करेंगे कार्ट्रिज रेजर जिलेट वेक्टर 3, जो हमने पहले भी एक बार रिव्यू किया था। अब उस शेव के और इस शेव के बीच में मैंने इसको दो बार पहले भी यूज किया था, तो दिस वुड बी इट्स फोर्थ शेव। और आज हम ये डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे, यू नो, विद द एक्सपीरियंस विच आई हैव टेकन एंड यू मे ऑल्सो हैव टेकन सो फार, कि बेस्ट यूज कब कर सकते हैं हम कार्ट्रिज रेजर्स का, स्पेशली जो मल्टी ब्लेड रेजर्स है लाइक दिस वन, जैसे जिलेट मार्क 3 है, जिलेट गार्ड 3 है, जिलेट वेक्टर 3 है, या कोई और मल्टी ब्लेड रेजर है। चेहरा मैंने वॉश कर लिया है क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश से, ओके। और आप देख सकते हैं इतना एरिया मैंने वॉश किया है, पूरा एरिया मैंने वॉश नहीं किया। और मैं आफ्टर शेव कोई यूज नहीं करूंगा आज, बिकॉज मैं स्नान करने वाला हूँ थोड़े टाइम में, तो आई एम गोइंग टू क्लीन माई फेस अगेन, ठीक है। जो है वो पानी में अप्लाई करता हूँ चेहरे पे हमेशा की तरह, दिस इज स्टैंडर्ड प्रोसेस। एंड आज मैं यूज कर रहा हूँ सिल्वर मैक्स का ये एक्वा वाला फोम, सिल्वर मैक्स एक्वा शेविंग फोम, ठीक है। मेंथॉल बताया गया इसमें, 0% एल्कोहल, नो बर्निंग एंड एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग, ठीक है। सोडियम लॉरल सल्फेट प्रोपेन हाइड्रोक्सीथाइल सेलुलोज मेंथा पिपेरेटा ऑयल, स्टीरिक एसिड है, फ्रेग्रेंस है ट्राई इथेनोलमीन ब्यूटेन या एंड लॉरेथ 23 है इसमें, ठीक है। सो शेक दिस वेल बिफोर यूज एंड होल्ड वेट योर स्टबल और फेशियल हेयर विथ वार्म वाटर या नॉर्मल वाटर से मैं हमने कर लिया है। देन इसमें से फोम निकालिए, अप्लाई कीजिए और शेव कीजिए, ओके। तो थोड़ा सा शेविंग फोम ले रहा हूं मैं लगभग इतना, देखो इस तरीके से बड़ा ही स्मूथली ये बाहर आता है। आज की बियर्ड ग्रोथ इज अबाउट 2.5 days, ना 2 दिन की ना 3 दिन की, बराबर 2.5 दिन की बियर्ड ग्रोथ है। अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, सटल खुशबू है, कोई स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं है, विच इज ए गुड थिंग। ठीक है, ये हमारा शेविंग फोम अप्लाई हो गया, इसको 1 मिनट रहने देते हैं और इस टाइप के रेजर्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं। बेसिकली दोस्तों, मैंने रियलाइज किया है, और बहुत सालों पहले भी मैं मार्क 3 वगैरह यूज करता था काफी रेगुलरली, जिलेट प्रेस्टो या सुपर मैक्स के 3 ब्लेड रेजर्स वगैरह। मैंने रियलाइज किया है कि जो ये मल्टीब्लेड रेजर्स होते हैं ना, मल्टीब्लेड वाले कार्ट्रिज, ओके, सिंगल ब्लेड मतलब जिलेट गार्ड नहीं, या वो लेसर का भी जो आता है एक सिंगल ब्लेड वाला कार्ट्रिज रेजर, वो नहीं कह रहा हूँ, मल्टीब्लेड रेजर कह रहा हूँ, जैसे 3 ब्लेड वाला है, 2 ब्लेड वाला है, उस टाइप से। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आइडियल बियर्ड ग्रोथ फॉर सच मल्टीब्लेड रेजर्स इज लाइक 2 days और मैक्सिमम 3 days, 4 days एंड बियॉन्ड, मतलब 4 दिन और ज्यादा की अगर दाढ़ी हो तो मुझे नहीं लगता कि ये रेजर बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये तो या तो ओवरवर्क करते हैं, या तो इसमें स्टबल फंसता है जिसके कारण हमको शेविंग करने में परेशानी होती है, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता शेविंग का इन टाइप के रेजर से 4 दिन और ऊपर के दाढ़ी। सो आइडियली लाइक रोज 1 pass विद द ग्रेन शायद इससे कर सकते हैं। मैं तो अगर मल्टीपल डेज की ग्रोथ पे भी करता हूं तो विद द ग्रेन ही करता हूं, अगर मुझे कहीं टचअप भी करने पड़े तो विद द ग्रेन ही करता हूं, इससे कभी मैं अक्रॉस और अगेंस्ट नहीं करता हूं। बिकॉज एक बार जब हम ये रेजर अपने चेहरे पे चलाएंगे तो 3 बार चलाने के बराबर होगा, बिकॉज दिस ऑलरेडी हैड 3 ब्लेड्स, ओके। तो वो एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगेंस्ट द ग्रेन अगर आप कर रहे हैं, मतलब विद द ग्रेन कर दिया और अगेंस्ट द ग्रेन कर दिया, तो इसका मतलब ये 3 बार चल गई, ये 6 बार चल गई, तो 6 बार आप अपनी स्किन पे ब्लेड को रगड़ रहे हो, और 6 बार अगर आप स्किन पे रगड़ोगे ब्लेड तो फिर उससे इरिटेशन के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि भाई हमेशा मल्टीब्लेड रेजर्स को विद द ग्रेन ही यूज करना है, कम डेज की बियर्ड ग्रोथ पे यूज करना है, 24 घंटे से लेके 3 दिन तक की बियर्ड ग्रोथ के लिए आई थिंक मल्टीब्लेड रेजर्स अच्छे से काम करते हैं। बियॉन्ड दैट
आई डोंट थिंक वी गेट द आइडियल परफॉर्मेंस ऑफ मल्टीब्लेड रेजर्स। ठीक है, तो एक एक दो मिनट जो है वो चेहरे पे हमने फोम रखा है, एंड नाउ वी आर गोना शेव, आई एम नॉट गोना स्ट्रेच द स्क्रीन, सो लेट्स सी। फोर्स शेव है वैसे इससे विद द ग्रेन। जैसे आइडियली बार बार एक ही जगह पे भी इससे शेव नहीं करना चाहिए। अगर मैंने यहां शेव किया फिर यहां शेव किया, दैट ऑल्सो मीन्स कि मैंने 6 बार उस जगह पे ब्लेड चला दी है। और स्टबल की लेंथ अगर ज्यादा आ रही है तो फिर इसको ज्यादा से ज्यादा बार रिंस करें सो दैट इसमें बाल फंसे ना। कार्ट्रिज रेजर्स आर मेंट फॉर रेगुलर शेविंग, मतलब रोज एक पर्टिकुलर टाइम है आपका शेव करने का। जैसे आप ऑफिस जाते हैं उससे पहले आपको शेव करना है, या मान लीजिए कि 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन रेगुलर एक ही टाइम पे शेव करते हैं अगर आप, तो उसमें शेविंग रूटीन का टाइम बचाने के लिए ना ये काम आ सकते हैं। आई थिंक दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कार्ट्रिज रेजर। और सी एज कंपेयर टू शेव इट या सेफ्टी रेजर, पहले के टाइम के जो सेफ्टी रेजर आते थे वो थोड़े से सेफ्टी उसमें थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क ही रहता था, बिकॉज ब्लेड की अलाइनमेंट, ब्लेड की एक्सपोजर वगैरह अजीब सी हो सकती थी। लेकिन आजकल जो सेफ्टी रेजर्स आते हैं वो काफी अच्छे आते हैं, उसमें सेफ्टी ओवरहैंग नहीं हो ऐसा ध्यान दिया जाता है। पर्ल के और रुबाब मैन का मॉडल है ऐसा हमारे पास में, ठीक है। आजकल वैसे भी देखा है मैंने, पार्कर में भी ओवरहैंग काफी कम हो गया है जो हमने स्टेला में देखा। सो ओवरहैंग जो है वो काफी रिड्यूस हो रहा है, सो इट बिकम्स मोर सेफ। और जो क्वालिटी ऑफ बिल्ड है आजकल सेफ्टी रेजर्स की, उसकी भी उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट है। सो द क्वालिटी ऑफ शेव विच यू कैन एक्सपेक्ट विद द सेफ्टी रेजर इज क्वाइट बेटर दीज डेज एज कम्पेयर टू अर्लियर टाइम। जो बीच का टाइम था ना 20-25 साल का, तब सेफ्टी रेजर्स की क्वालिटी, जो लोकल सेफ्टी रेजर्स मिलती थी यहाँ पे, उसकी क्वालिटी पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता था, बिकॉज देर इज नो गारंटी कि वो अच्छे से काम करेगा। एंड दैट्स वाई द नीड ऑफ कार्ट्रिज रेजर्स इवॉल्व एट दैट टाइम। ठीक है, थोड़ा सा टचअप सिर्फ इधर करूंगा मैं विद द ग्रेन ही, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि शेव हो गई है सेटिस्फैक्टरी। दिस शेव विल वर्क फॉर मी फॉर अराउंड 12 to 13 आवर्स, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा व्हाइट स्टबल, थोड़ा ब्लैक स्टबल दिखना शुरू हो जाएगा। बट फॉर द पर्पजेस ऑफ टूडे शेव आई थिंक दिस इज सेटिस्फैक्टरी फॉर विद द ग्रेन के हिसाब से। कहीं भी कोई इरिटेशन, जलन वगैरह या कोई बर्निंग सेंसेशन ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लग रहा है। तो दैट्स इट दोस्तों, ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस था जिलेट वेक्टर 3 के साथ में जो मैंने आपसे शेयर किया, और ओवरऑल कार्ट्रिज रेजर्स के साथ में भी, मल्टीब्लेड रेजर्स के साथ में। तो जब आप यूज करें मल्टीब्लेड रेजर्स तो आप इन पॉइंट्स के बारे में जरूर ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, कीप अप द गुड शेव, बाय, नमस्कार।